दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आपकी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करे। क्योंकि जब आप स्पेशली वीडियो बनाते हो ट्रैवल के या आउटडोर के या फिर ऐसे जगह आप जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हो जहां पर बहुत ही भीड़ भाड़ है और आपका ऑडियो जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं आ रहा है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें आपका एक भी पैसा भी नहीं खर्च होगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस वीडियो की। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव क्यों करनी है। तो ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने से फायदा क्या होगा कि आपके जो व्यूवर्स है, जो आपको आपका ये वीडियो देखते हैं, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी व्यूवरशिप है वो बढ़ जाती है। सेकेंडली, आपके जो सब्सक्राइबर है वो भी आपको कनेक्ट कर पाएंगे और आपके जो फॉलोअर्स है वो बढ़ जाते हैं। तो ये दो फायदे होते हैं जब आप ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा देते हो वीडियो में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जाए कम पैसे में या फिर जीरो पैसे में भी बोल सकते हो। इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये टेस्ट अपने ही वीडियो में इम्प्रूव किया है और अपने भी यूज करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सोचा आपकी हमारी हैप्पी गाइड फैमिली है, उनके साथ भी ये टॉपिक को शेयर करना तो बनता है। तो मैंने लास्ट मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का, मैं वहां पे गया था और वहां पे आउटडोर में काफी भीड़ भाड़ थी और वहां पे ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। अगर मैं कुछ यूज न करूं एक्सटर्नल माइक या हेडफोन, आपने सही सुना, हेडफोन, जो हेडफोन होता है वो बहुत ही हेल्प करता है आपका ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने में। तो मेरे पास यहां पर आपके लिए दो ऐसे हेडफोन है, आप देख सकते हो, ये जो मैं यूज कर रहा था काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में, और ये है मेरी धर्म पत्नी का, मेरी वाइफ का। तो ये दोनों हेडफोन मैं यूज करता हूँ आउटडोर की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये वीडियो समझाता हूँ कि कैसे ऑडियो क्वालिटी मैंने इम्प्रूव किए। तो मैं अभी आने वाला जो दो क्लिप आपको इस वीडियो में दिखेगा, इसमें मैंने एक में एक्सटर्नल हेडफोन यूज किया है और एक में नहीं यूज किया है। हालांकि आपको वीडियो में दिखेगा कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है दोनों ही क्लिप में हेडफोन, लेकिन एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैंने ऑफ रखा था एक्सटर्नल माइक, एक्सटर्नल हेडफोन, और सेकेंड वाले में मैंने ऑन रखा था एक्सटर्नल हेडफोन। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मुंबई के एकदम पॉपुलर जगह पे जो साल में एक ही बार होता है, जिसका नाम है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। नाम से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मतलब आर्टिस्ट लोग कुछ यहाँ पे आके हर साल कलाकारी दिखाते हैं, नए नए एकदम डेकोरेटिव स्टॉल्स बनाते हैं और हमें अट्रैक्ट करते हैं, और लोग आप यहाँ के सब फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और बहुत ही मजा आता है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मुंबई एकदम सबसे पॉपुलर जगह पे, जहाँ पे साल में सिर्फ एक ही बार होता है एक फेस्टिवल, जिसका नाम है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ये नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट लोग के बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं और आके अपनी कलाकारी दिखाते साल में एक बार, और ये फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में, मतलब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में पूरा फेस्टिवल होता है। लोग आते हैं, इन्जॉय करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर और देखते हैं कि क्या क्या लोगों ने कलाकारी की है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा काफी डिफरेंस आता है, मतलब एक एक्सटर्नल हेडफोन यूज करने से कितना फर्क आता है ऑडियो क्लैरिटी में। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, मतलब अगर आप एक यूट्यूबर हो या वीडियोग्राफी का शौक रखते हो या करना चाहते हो, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा और जिसके लिए आपको शायद एक भी रुपए नहीं देने पड़े। क्योंकि जो मैं एक्सटर्नल हेडफोन यूज कर रहा हूँ वो तो मुझे, मतलब मैंने एक सैमसंग का फोन लिया था मेरी मॉम के लिए, उसमें ही मुझे ये मतलब ओरिजिनल सैमसंग का हेडफोन मिला था और वही मैं यूज कर रहा हूँ। और जो सेकंड वाला था वो मैंने वाइफ के लिए परचेस किया था, वो अराउंड 150 रुपीज का, लेकिन उसका भी माइक बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी हेडफोन ले लीजिए जिसमें मतलब आपका माइक हो और आप वीडियो जब रिकॉर्ड करें तो ऐसे ही करके रिकॉर्ड कीजिए और यहाँ पे आपका माइक आ जाता है, जो मतलब जो हेडफोन में ही होता है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों, इस हेडफोन की एक अच्छी बात है कि आपको कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा गियर कैरी नहीं करने पड़ते जब आप रिकॉर्डिंग करने का प्लान कर रहे हो या कहीं पे आप वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हो। जस्ट आप सिंपली बस गाना सुनते सुनते जाओ मस्त में और वहां पे पहुंचो और बस निकाल दो, और ऑडियो के लिए आपको ये माइक तो हेल्प करेगा ही, तो आपका ऑडियो इंप्रूव हो चुका आराम से मस्त में हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप फोन से रिकॉर्ड करते हो, आप कोई ब्लॉगर हो या फिर यूट्यूबर हो, आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो
आपका जो इंटरनल कैमरा होता है आपके फोन का वो सपोर्ट नहीं करता एक्सटर्नल माइक को या हेडफोन को उसके ऑडियो के लिए, तो फिर उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपन कैमरा। तो ओपन कैमरा के थ्रू उसमें एक आपको सेट बाय डिफॉल्ट सेटिंग में होता है, अगर नहीं भी होता है तो आप वहां पे एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन होता है वो उसको टिक कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप ओपन कैमरा यूज कीजिए और ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, तो ये कम प्राइस में आपका बहुत ही अच्छा ऑडियो क्वालिटी हो जाएगा। तो जैसा ही मैंने कहा कि ओपन कैमरा एक ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू आपका जो एक्सटर्नल माइक है वो सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए आप एक्सटर्नल माइक भी खरीद सकते हो जो मैं कभी कभी ये भी यूज करता हूँ आउटडोर वीडियोज बनाने के लिए, तो आप अच्छे से देख सकते हो, तो ये माइक भी आप यूज कर सकते हो लेकिन ये आपको परचेस करना होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपके कुछ पैसे खर्च हो, तो आपके पैसे अगर बचाने हैं या जीरो रुपीज में आपका ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है तो फिर आप ये हेडफोन यूज कीजिए। और हेडफोन को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। और आपको सारे और कुछ भी सवाल या कोई भी सुझाव आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं सारे उसके जवाब दूंगा आपको। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ इस पे और डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पूरा मतलब एक ट्राइपॉड हो व्लॉगिंग कैसे करते हैं आउटडोर क्वालिटी इंडोर क्वालिटी क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर उस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप सभी के लिए। दोस्तों यही थे कुछ डिटेल्स और कैसे ऑडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और जो लोग नए हैं हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाल बटन दबा के उसको ग्रे कर दीजिए और उसी के साथ घंटी टन 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 वो भी बजा दीजिए। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।